कोरोना वायरस से जहां मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी मामलात जिंदगी मुतासर हुई है और लगातार लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार पर काफ़ी मनफी असर पड़ा है। वहीं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपोर कस्बे से वाबस्ता रखने वाली एक खातून शाइस्ता ने अपने ही घर में मशरूम उगाने का काम शुरू किया। शाइस्ता का कहना है कि गुज़िश्ता दो बरसों से कोरोना वायरस लॉकडाउन से उनका काफ़ी वक्त ज़ाया होता था। एक दिन उनको ख्याल आया कि जो मशरूम बाजार में फरोख्त किए जाते हैं क्यों ना वो उन्हें अपने ही घर में तैयार करें, जो न सिर्फ उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा बल्कि उससे रोज़गार भी पैदा हो सकता है। शाइस्ता ने बताया कि उन्होंने माहिरीन से सलाह मशवरा करके ये काम शुरू किया और इस वक्त ये अपने काम से काफ़ी खुश है। हमने इसको स्टार्ट किया था एज हॉबी, बट इस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा, तो अभी हम कर रहे हैं। इसलिए सुबह शाम इसको स्प्रे करना पड़ता है इसको वेट रखने के लिए, और टेम्परेचर मेंटेन करना है बिटवीन 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसमें माइसीलियम आना स्टार्ट होता है और फिर मशरूम्स की कल्टिवेशन होती है। मार्केटिंग सोशल मीडिया से की है और मेरे हस्बैंड एज लेक्चरर जॉब करते हैं डील कॉलेज सोपोर में। मैं भी एज एकेडमिक लेक्चरर एकेडमिक काउंसलर काम करती हूँ इग्नो अमर सिंह कॉलेज में, तो वहाँ पे भी मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट की, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और सोशल मीडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसकी मार्केटिंग में। कि पिछले दो सालों से जो हालात रहे हैं कश्मीर में और बिल्कुल बेकार हो गए, लोग बेरोजगारी हो गई है, इन द मीन टाइम हमने इस चीज़ को करके अपने आप को इंगेज रखा और अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री बनाई। शाइस्ता के शौहर आशिक का कहना है कि वो मशरूम काफ़ी कम कीमतों पर फरोख्त करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि गरीबों और मिस्कीनों की मदद की जाए। इजी कल्टीवेशन नहीं है इसके, इसलिए चाहिए आपको एक रूम चाहिए जो मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे कोई गांव शेड पुराना कोई होगा उसमें आप रखेंगे, ये बैग रखेंगे तो ये आपको देंगे, कल्टिवेट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये इसको 300 रुपये किलो बेचता हूँ, किसी को मैं देता हूँ फ्री में, किसी को 250 रुपये देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो आजकल यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा लोगों का, जो मोस्टली जो जॉब करते हैं उनकी देते हैं कभी 350 रुपये देते हैं एक केजी में, या 300 रुपये देते हैं वो जो बेचारे गरीब तबके के हैं उसको फ्री ले जाते हैं। शाइस्ता और उनके शौहर का कहना है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उनका कहना है कि जो भी काम शुरू किया जाए उसमें दिल की चाहत होनी चाहिए, तभी वो काम कामयाब होता है। ईटीवी भारत के लिए सोपोर से कौसर अरफात की रिपोर्ट।